कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस विषय में हमारे पास सबसे पहले आता है गच्छति, गच्छ लिखा है। सबको मिल गया पेज नंबर 5 जी, सभी को मिल गया पेज नंबर 5, कृदंत प्रत्यय सत्री पुल्लिंग ये मिल गया। जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गच्छ एक शब्द दिया है, आगे ती लगा है, तो मिल गया। आप सबको पता है गच्छति। ऐसे ही अभवत में अभव लगा है, आगे ता लगा है, और पठंतु में पठ प्लस नतु लिखा है, आदि जैसे क्रिया रूपों से परिचित हो चुके हैं। इन उदाहरणों में कोष्टक में दिए गए अंश आख्यात प्रत्यय अथवा तिंग प्रत्ययों की भांति कुछ अन्य प्रत्ययों का भी ऐसा समूह है जिन्हें क्रियात्मक धातु से जोड़ा जाता है, ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यद्यपि ये क्रियाएं नहीं है, तथापि कभी कभी इनका प्रयोग क्रियाओं की भांति किया जाता है। इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, कृत पे अंत होने वाले। यहां मैं बता दूं महोदय, हम सभी लोग बाल्यकाल से ही पठती चलती चलिष्यति अपठत इत्यादि संस्कृत के क्रिया रूप जानते हैं, और सभी ने 8वीं में 9वीं में इसी प्रकार से पढ़ा भी होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब क्रियाएं दो यूज करनी है परंतु वो शब्दों की तरह यूज हो रही है या एक अलग सेंस में यूज हो रही है, परंतु उसका मूल क्या है, धातु। जैसे गच्छन्ति में गच्छ देखा हमने, ऐसे ही पठन्ति में पठ देखा हमने। तो यहाँ पे लास्ट का वो जो प्रत्यय है ना, वो चेंज हो रहा है। वैसे मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो तीता अंति और सीता था भी एक प्रकार का प्रत्यय ही है, परंतु उसको हम कहते हैं लट लकार वाले प्रत्यय, लंग लकार वाले प्रत्यय जी। स्पष्ट है यहां तक? अब ये है स्थिति, किन काल के अलावा किन किन अर्थों में ये जो प्रत्यय हैं विशेष तौर पर लगते हैं यहाँ पे। तो इसी के अनुसार यहाँ देखते हैं हम लोग ये प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहली बात, धातुओं के अंत में लगते हैं। इनका प्रयोग संज्ञाओं एवं विशेषण के रूप में किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी कृदंतों का प्रयोग संज्ञात्मक तथा अथवा विशेषात्मक रूप से में नहीं होता है। इनमें से कत्वा, तुमुन इत्यादि प्रत्यय भी हैं जो अव्यय माने जाते हैं। तवतुक्ता प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है, तथापि ये तिगंत नहीं है, ये संज्ञात्मक रूप से में प्रयुक्त होते हैं। महोदय, यहाँ एक बात सभी को थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर इन्होंने यहाँ लाइन क्यों कही, ये चीज क्यों कही। देखिए, हम सभी को पता है अव्यय जो होता है न अव्यय इति पदम, मतलब अव्यय कभी खत्म नहीं होता, अव्यय कभी चेंज नहीं होता, अव्यय कभी बदलता नहीं। जैसे मान लीजिए वनिता जी, आवाज आ रही है मेरी जी? हाँ, इस पे वयम चर्चाम कुर्मः, तो सरलता दृष्टया हम हिंदी भाषाएं बताएं सम्यक ना, सही है? यदि मैं हिंदी में बोल सम्यक। तो सबको स्पष्ट भी हो रहा होगा अच्छे से, और संस्कृत में भी समस्या नास्ति, तथापि ये नूतना सन्ति ते किंचित किंचित त्रुटि ना करिष्यन्ति, अतः हम किंचित मिलित्वा हिंदी भाषाएं वदामि, अस्तु हिंदी भाषाएं वदामि वा हिंदी अस्तु भाषा वदामि। तभी जैसे कि हमने देखा कि अव्यय का कंटेंट यहाँ पे आया, और जैसे कृत तद्धित समासाष्टक हम पढ़ते भी हैं, और कृत प्रत्यय के अंदर कत्वा तुमुन और ल्यप होता है, तो आखिर कत्वा तुमुन ल्यप अव्यय क्यों बन गया और ये इनके रूप क्यों चले। यहाँ पे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है वनिता जी, विभूति जी, के जब उनमें वो प्रत्यय लगते हैं, माना की थोड़ी कठिनाई है, जैसे कि नम प्लस तत्वा नत्वा हुआ और पट प्लस तत्वा पठित्वा हुआ। पठित्वा इजी है, चलित्वा इजी है, परंतु नत्वा इजी नहीं है, अलग बना। ऐसे ही पक्त्वा, ऐसे ही लब्ध्वा, है ना, लब्ध्वा। तो यहाँ इजी फॉर्मूला क्या बताया आपको कि भले ये चेंज हो रहे हैं, परंतु यदि आपने समझ लिया कि नम प्लस तत्वा नत्वा होता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार नत्वा शब्द बना लिया, दुनिया में जब भी नम प्लस तत्वा आएगा तो हम लोग नत्वा ही बोलेंगे, नत्वानी, नत्वम, नत्वे, नत्वंतः, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना इजी। यानी धातु लिया, एक बार नत्वा बना लिया, जैसे हम लोग अपि का यूज करते हैं, जैसे हम लोग च का यूज करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, खासकर कृदंत में भी कत्वा तुमुन और ल्यप का। जी स्पष्ट है सभी को यहाँ पे? यानी जैसे च का, आपको एक छोटी सी बात बताऊं,
ये अव्यय जो शब्द यहाँ पे आया है, ये अव्यय शब्द आने का रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा गया है कि आदि से बनने वाले कृदंत आदि अव्यय माने जाते हैं, यानी कत्वा तुमुन और ल्यप भी इसी के अंतर्गत है। प्रयोग किए तथा भी ये तिगंत नहीं होते हैं, ये संज्ञात्मक रूपों में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने बताया संस्कृत भाषा क्यों समृद्ध हो रही है, देखिए ध्यान से बात समझिएगा। एक शब्द है जी, विभूति जी, संगीता जी, के लिए, एक शब्द है के लिए, हम लोग उसका पठनाई यूज भी करते हैं शब्द की तरह। एक शब्द है पठितुम, उसका भी वही यूज है पढ़ने के लिए। एक शब्द है पठनार्थम, उसका भी उसी के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर मान लो आपको बोलना हो विभूति जी, संगीता जी, कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अगर मान लो विभूति जी आपने बोल दिया अहम पठनार्थम विद्यालय गच्छामि, और विनीता जी आपने बोल दिया हम पठितुम विद्यालय गच्छामि, और संगीता जी आपने बोल दिया हम पठनाय विद्यालय गच्छामि, तो आप ये बताइए कि तीनों के वाक्य गलत हैं, तीनों के सही हैं जी? अनम्यूट होकर बोल सकते हैं ठीक ये तीनों तीनों। सही है पढ़ने के लिए। हाँ तीनों के सही हैं। इसी कारण से आज तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होता है ना विभूति जी, मैं आपको बताऊं ये चीजें बहुत कम लोग जानेंगे, जी आज तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो डिक्शनरी है वो अमरकोश को बीट नहीं कर पाई। आज तक फॉरेन की जितने डिक्शनरी है संस्कृत भाषा को बीट नहीं कर पाई, क्योंकि संस्कृत भाषा के पार पाना इनके बस की नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती को, जबरदस्ती में हमारे पितर शब्द को फादर बना दिया, ब्रदर शब्द को भ्रातर शब्द को ब्रदर बना दिया, और मातृ शब्द को मातर शब्द को मदर बना दिया। तो जो चोर होते हैं ना वो कभी राजा नहीं बनते, समझ रहे हैं ना। आपका बहुत बड़ा महल है और कोई आपके घर में चोर आ जाए और एलईडी टीवी उठा के ले जाए और अपने बच्चों को बोलते एलईडी टीवी देखो 50 इंच का, तो उसके बच्चों में स्वाभिमान नहीं जगेगा। हमारे देश ने कभी किसी का हीरा नहीं चुराया, ब्रिटेन ने चुराया कोहिनूर हीरा, सबको पता है। तो जो चोर होते हैं ना, चोर कभी भाषा का निर्माण नहीं करते। अब भारत की जो संस्कृत भाषा है समृद्ध भाषा है, सुदृढ़ भाषा है, अपने व्याकरण, अपने सिद्धांत, अपने अमरत्व की वजह से, समझ रहे बात। तो यदि मान लो मैं इसको चार प्रकार से बोल सकता हूं, कभी ऑक्सफोर्ड में देखिए एक ही शब्द है अंकल, अब हमारे यहाँ मातुला शब्द है, पितृव्या शब्द है, उसी प्रकार ये अव्यय भी है जैसे हम कीर्तन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ मातुला शब्द और पितृव्या, चाचा अलग तरीके से प्यार करेगा आपको और मामा अलग तरीके से प्यार करेगा, क्योंकि डबल माँ की सेंस आ जाती है मामा में और चाचा पिता की सेंस आ जाती है, तो कैसे दोनों एक हो गए? तो इसी आधार पे मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सबको अच्छे से हाँ जी हाँ जी? जी आप तो इसी आधार पे संस्कृत को पार कर पाना विश्व की किसी भाषा के बस की बात नहीं, और वो दिन दूर नहीं, जैसे हमारा योगा फेमस हुआ है वैसे ही संस्कृत भाषा भी प्रसिद्ध होगी पूरी दुनिया में, और इसकी जननी भारत है, भारत थी और भारत रहेगी। चलिए तो इसी साथ आगे इस विषय को और स्पष्ट करता हूं, यानी ये प्रत्यय भी क्या है जी, एक एक वे है, एक वे समझ रहे हैं ना, कृदंत प्रत्यय भी क्या है, एक भावों को बताने के लिए वे है कि वहां वो बता रहा है कि भाई वो पढ़ता हुआ विद्यालय जा रहा है या पढ़ता हुआ वो खा रहा है, इस प्रकार के प्रत्यय का यूज होता है यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग पुस्तक में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कृत प्रत्ययों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के भावों में होता है, परिचय पाठ्यक्रम में पद संगत के अंतर्गत आप कुछ कृदंत रूपों से परिचित हो चुके हैं। प्रस्तुत शिक्षा यानी वर्तमान काल के कृदंतों, वर्तमान कृदंता के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो महोदय आपको पेज नंबर जो ये 5 है इसके लास्ट में चीज मिलेगा, छात्रा पठन निद्राम कृतवान, छात्र पढ़ते हुए सो गया। महोदय मिल रहा है सबको? मनीता जी 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 ऐसे ही हाँ बालः क्रीडन मुदितवान सह नमन प्रार्थयति। अब यहां देखिए मैं एक चीज बता दूं, लास्ट में सारी चीज एडिटेबल है, एडिटेबल मतलब एडिट हो सकता है, वहां चल सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं विभूति महोदय पठती, विभूति महोदय पठितवान, विभूते महोदय पठिष्यति, क्या है पठती अपठत पठिष्यति से क्रियाएं चेंज हो गई, भाव चेंज हो गई, है ना। और जो बीच का शब्द है इसी में गेम होता है सारा, मैं बता दूं सारा गेम इसी में होता है।
जैसे आपने शब्दों में खेल देखा है ना, जैसे मैंने बोला पटना है, अब मैंने बोला पठितुम, है ना, और मैंने और अच्छे से बोला सम्पठ्य, तो मैं अच्छे से पढ़कर जा रहा हूं, है ना, पढ़ करके जा रहा हूं। तो संगीता जी, तो मैं जैसे भी बता रहा था आपको, सारा गेम यहीं पे है। इस गेम का सिंपल एक नाम है, यदि सिंपल भाषा में कहूं तो, जब सब ग्रुप आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन समझते हैं ना, इन, ऑन, इन टू, कर्ता, करण इत्यादि, है ना। उसी प्रकार के एक स्पेशल भाव को बताने के लिए ये प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। तो जैसे कि यहां पे हमने देखा न शब्द आया है, न इस पुस्तक में क्या शब्द आया है, न पठन, क्रीडन, नमन, गच्छन, पश्यन, पिबन, धावन। और क्रियाओं से हमें कुछ नहीं करना, कर्ता से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम सभी को पता है कर्ता क्रिया के बीच वाले शब्दों से कोई मतलब नहीं, करेक्ट ना, है ना, कोई मतलब नहीं। उसमें चिन्ह मायने रखता है। चिन्ह क्या है, जैसे हमने देखा है ना भाई, राम बाण से मारता है, किसी ने कहा बालक कलम से लिखता है, बालक पुस्तक को पढ़ता है। अब उस बालक की मर्जी है वो एक किताब पढ़े, दो पढ़े, 10 पढ़े, वाक्य तो ठीक है कि बाल कहा पुस्तकम पठती, बाल कहा पुस्तके पठती, बाल कहा पुस्तकानि पठती। ऐसे ही जैसे मैं बोल दूं, मान लो माता, मेरी मम्मी, माता फलम खादती, माता फले खादती, माता फलानी खादती, तो इस पे खादंती चेंज नहीं होगा, माता चेंज नहीं होगा। अब मेरी मम्मी की मर्जी हो एक फल खाए, दो खाए, चाहे एक खाए, है ना, अंडरस्टूड वाली बात। तो टेक्निकल दृष्टि से हमारा वाक्य गलत नहीं होता है। तो यहां पे भी वही टेक्निक की बात हो रही है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहां पे कहना चाह रहे हैं हुए, हुए शब्द के लिए ये प्रयोग आया, और ये क्या आया है कि मूल धातु में, जैसे पट धातु में न लगा दिया, चल धातु में च न, अगर हस में न लगा दिया तो क्या बनेगा संगीता जी, हस में यदि ना लगाया। हसन हाँ, हसन अगर मैं बोलूं कंटिन्यूस हाँ बिल्कुल कर रहा है। कर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसे यदि मैं बोलूं कि संगीता जी हंसते हुए पढ़ रही हैं, या हंसते हुए ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, या देख रही हैं, अहम हसन पठामि। पठान, अतिशोभनम। ऐसे ही मैं बोलूं विभूति जी कि आप हंसते हुए देख रहे हैं, तो क्या वाक्य बनेगा? भगवान हसन, हाँ, आगे क्या बोला था आपने, मैं सुन नहीं पाया था। देखते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो पश्य हो जाता है, तो पश्यति। पश्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये इसी इसी आधार पे हम लोग अब आगे भी बढ़ते हैं और उसको देखते हैं आगे और क्या होता है, है ना जी। अभी जैसे कि हमने इसमें ये समझा कि इस प्रकार से वाक्य बदल जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, और आगे देखते हैं आप क्या है इसमें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण है, स नमन प्रार्थयति, वह नमस्कार करते हुए प्रार्थना करता है। इसी प्रकार अशोका गच्छन धेनुम दृष्टवान। तो मेरा मानना है अब तक जो पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हमें कर्ता क्रिया का पता लग गया, और यह न शब्द का भी मतलब पता लग गया कि ना का मतलब है कंटिन्यूअस, जैसा भी संगीता जी ने बताया, परफेक्ट है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं खाते हुए बात करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे, जैसे मान लो आपको एक वाक्य बोलना है विनीता जी के, बालक खाते हुए बात करता है, सह खादन वदति। बहुत अच्छा। वह पढ़ते हुए लिखता है, पठन लिखति। लिखति बहुत सुंदर। तो मेरा ये मानना है ये जो विषय है हम सभी को ये आराम से पता लग गया, और जब 6 नंबर पेज पर हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं, स्मरण, साक्षलन, लिखन, स्खलन, पतितवान, मैं इनके सामान्य एक बार अर्थ बता दूं आप सभी को। अशोक जाता हुआ गाय को देखता था, जाते हुए गाय को देख रहा था, ठीक है, स्पष्ट हुआ यहाँ पे। भक्ता देवम पश्यन, यानी भक्त देवता को देखते हुए प्रदक्षिणम कृतवान, में भ्रमण कर रहा था, प्रदक्षिणा कर रहा था। एषा सुराम पीवन, सुराम मतलब जो शरबत पीते हुए लोकमेव विस्मृतवान, संसार को ही भूल गया। सह
धावन आगतवान सा गोपाल, यह धावन आगतवान सा गोपाल, जो भागते हुए आ रहा है वह गोपाल है। ऐसे ही जो वटु मतलब ब्रह्मचारी कहते थे पहले, जो वटु है श्लोक को याद करते हुए उच्चारण कर रहा था। धोबी कपड़े को धोते हुए बैठा था, धोते हुए बैठ रहा था। लेखक लिखते हुए ही गाना सुन रहा था। शिशु स्खलन पतितवान, वो फिसलते हुए गिर गया, ऐसा इसका मतलब। गायकौ गायंतौ नेत्रे निमिलित वंतौ। अब यहाँ पे ये देखे, यहाँ अंतौ आ गया। अब यहाँ पे जी द्विवचन आ गया। ये द्विवचन क्यों बना? देखिए, हाँ, अभी तक रजक था, लेखक था, शिशु था, ये संख्या में एक थे, है ना? जैसे मैंने कहा संख्या एक। क्षम्यतां महोदय, अहम अत्र आगच्छ। चिन्ता नास्ति, सर्वत्र संस्कृतं प्रचलति, कुत्रापि गच्छतु चिन्ता नास्ति, वयं सर्वे संस्कृतप्रेमिणः। धन्यवाद। पृष्ठ संख्या कृपया बताइए। हाँ, पृष्ठ संख्या 6 पे आए हुए हम लोग, तो कृपया षट पृष्ठ के चलावा। षट पृष्ठ, हाँ, षष्ठ पृष्ठम पश्यामः। हाँ, तो बहुत लोगों से मैं परिचित हूँ पहले से भी, गोपाल कृष्ण जी से, कृष्णा जी से, और बहुत लोगों से परिचित हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ये दो वचन आया, ऐसे आगे हम लोग बहुवचन भी देख रहे हैं। तो आखिर इनका मतलब क्या हुआ, देखिए अब मैं बता दूँ यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पर। जैसे जस्ट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, संस्कृत भाषा में ये नहीं देखना कि आगे क्या है पीछे क्या, भाव क्या आ रहा है भाव। तो यहाँ पे वहां पे दिख रहा है कि वो एक व्यक्ति था, फिसल गया, चलते हुए फिसल गया, कोई पढ़ते हुए टीवी देखता है, कोई हंसते हुए। अब या दो बालक हंसते हुए आ रहा है, या तीन महिलाएं हंसते हुए पार्क में घूम रही हैं, तीन महिलाएं। तो जैसे हमने अब से पहले देखा था, जैसे भवत के शब्द रूप होते ना, भवान भवंतौ भवंतः, गतवान गतवंतौ गतवंतः, उसकी तरह चलेंगे। परंतु इसका भाव ये नहीं है कि ये देखो अभी बताया था कत्वा तुमन ल्यप, वो क्या बन गए, अव्यय। स्पष्ट जी, स्पष्ट क्रियाओं में लगे तो वो बन गए अव्यय, अव्यय। और ये जो प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय, ये जो आपने देखा अभी, अगर ये क्रियाओं में लगे तो बन गए शब्द रूप। क्या बन गए? शब्द रूप, शब्द शब्द शब्द। तो जैसे मैंने कहा कि पठ एक प्रकार का धातु है, परंतु पठतुम लगने से वो अव्यय बन गया, पठनाय लगने से शब्द रूप बन गया, अब पठनार्थम बनने लगने से फिर शब्द बन गया, है ना जी? स्पष्ट जी। तो उसी के रूप बन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सीमा, हाँ स्पष्टम नास्ति, एक बार हम विवेचन को विवेचन करो। तरी भवति वदतु कुत्र स्पष्टम नास्ति, त्वं वदतु, त्वं वदसि, सॉरी सॉरी त्वं नहीं, हां चिंता किं वदामि, भवान् वदतु कि, मैं हिंदी में बोलती हूँ एक बार प्लीज, कि आपने बोला ना ये अव्यय अव्यय हो जाता है वो पठतु, नहीं क्या बोला था, वो अव्यय हो जाता है, वो स्पष्ट नहीं हुआ मुझे, और फिर वो क्रिया हो जाता है, फिर याद। अब मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, अव्यय का पहला रूल क्या है, जैसे च और अपि, समझिए बात, च और अपि यदि शब्द कहीं लगा रहे हो, तो कभी आपने अपि का अपि अपिम दिखा है, कभी अपि का अप दिखा है, कभी च का चा दिखा है? दरअसल क्या अव्यय का कोई रूप नहीं होता। हाँ मैं बताऊं, एक बार शब्द रूप धातु रूपम झगड़ा हो गया, इन लोगों ने बोला पूरी दुनिया पे हमारा ही राज है, समझिएगा ध्यान से, पूरी दुनिया पे हमारा ही राज है। जैसे धातु रूपम ने देखो सब में ती लगा दिया, पटती चलती हंसती वदती, है ना, कह रहा तुम ती लगाओ तो जी पाओगे दुनिया में। और इधर राम श्याम घनश्याम ने शब्द रूपों ने क्या बोला, सब में अ औ आ लगाओ, रामा रामो रामा, गजा गजौ गजा, श्यामा श्यामो श्यामा, सारे सारी दुनिया परेशान हो गई कि हर जगह शब्द रूप, हर जगह धातु रूप।
तो आप जैसे हमारे जसों की सहायता के लिए हमारे प्यारे अव्यय आए, इन्होंने बोला हम बन के दिखाएंगे शक्तिमान। इन्होंने कहा मैं चाहूं मुझे चाह ही रहने दो, शब्द रूपों ने घेर लिया, बोले दुनिया में टिकना है तो बेटा शब्द रूप बनना पड़ेगा, चलो बोलो चा चाऊ चे। बोला मैं क्यों बनू, मैं तो शब्द रूप हूं, नहीं बनूंगा। शब्द रूपों ने इन पर हमला बोल दिया। अबे भाग भाग के गए धातु रूपों के पास, बोले बचा लो पूरी दुनिया तो आपकी है, ये राम और श्याम घनश्याम शब्द रूप है ना, शब्द रूप बना रहे हैं। तो धातु रूप बोला ठीक है हम बचा तो लेंगे, ठीक ऐसे ही मान लो जैसे अमेरिका और रशिया की भी लड़ाई चल रही है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक काम कर, तू बहुत प्यारा शब्द है च, बहुत फिट बैठेगा यदि हम तुझे चती चता चंती बना दें, चसी चथा चथा, कितना बढ़िया रहे। तो बोले फिर मेरा नाम शक्तिमान कैसे रहेगा। तो ये इन दोनों से बच के भागे और एक बंकर में चले गए जहां इनका नाम था अव्यय निवास। क्या नाम था उस कॉलोनी का? अव्यय निवास। वहां पे बहुत पढ़े लिखे अव्यय होते थे, जैसे यावत तावत, जैसे अपीचा सिंपल वाले, ऐसे डेंजर वाले भी थे, सह बही, हमने सुना है ना विभूति जी, बही शब्द सह शब्द। अब जब सह शब्द आ जाए तो किसी शब्द रूप की हिम्मत है कि वहां राम के साथ सीता जाती थी तो रामस्य कर दे वहां, नहीं ना, रामेन सीता रामेन सह गच्छति। ऐसे ही घर के बाहर बच्चा खेलता है तो वहां के चिन्ह आता है, तो हम लोग पढ़े लिखे जो होते हैं हम क्या करते हैं, कारक चिन्ह पढ़ा के है तो षष्ठी लगाएंगे भाई पक्का, गृहस्य बाही बालक अस्ति। परंतु वही बोलता है ना बाबा ना मैं अव्यय हूं, सबसे खतरनाक वाला अव्यय, वही आ गया तो मेरे बगल वाला शब्द पंचमी बनेगा, तब हम बोलते हैं गृहात वही बालक अस्ति। तो ऐसे सह वही अव्ययों को देखकर सारे शब्द रूप धातु रूप थरथर कांपने लगे। मतलब भैया अव्यय को हल्का मत समझो, और च और अपि उसी के परिवार का हिस्सा थे। सीमा जी अब आप समझ गए मेरी बात, यदि हमारी कोई छोटी बच्ची होती है हमारा पड़ोसी से क्यों नहीं डांटता, उसे पता है कि हमने इस बच्ची को डांटा इसके मम्मी पापा उलाहना लेके आ जाएंगे, तो बच्चा अकेला नहीं है ना। ऐसे ही अव्यय होता है, तो अव्यय सदाबहार होता है, ना उसकी पूंछ निकली होती है ना बिंदी होती है, जैसा है वैसा होता है, समझ गए आप जी। जी तो इसीलिए जब हमने पठ में प्रत्यय लगाया मालुकत्वा तो पठित्वा ही रहेगा, पठित्व नहीं हो जाएगा, पठित्वानी नहीं हो जाएगा, पठित्वम नहीं हो जाएगा, पठित्व तो पठित्व, समझ गए। हाँ, ये था। तो इसी में कृत प्रत्यय के अंदर कत्वा तुमुन लिया पाते हैं, तो वो कहते हैं हम सबको अव्यय बना देते हैं, यानी भले मुश्किल है कोई, नम प्लस कत्वा नत्वा, ऐसे दृश्य प्लस होता ना कत्वा दृष्टवा, तो दृष्टवा दृष्टवा ही रहेगा, दृष्टवानी नहीं होगा। तो ये इसीलिए अव्यय आए शक्तिमान बन के हमारी जिंदगी में, कि भैया लोगों को ज्यादा परेशान ना करें, हर जगह बिंदी हर जगह हलंत ना लगे, सरल हो हम लोग, है ना। तो समझ लो दिवाली में मिठाई का डिब्बा ही है प्रत्यय, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में। तो अब जैसे कि मैंने बताया न शब्द, हर एक धातु के एंड में न लगाइए, मेरी बात समझिए ध्यान से। हसन जैसे बाल का हसन पढ़ती हंसते हुए पढ़ता है, तो वो एक वचन के सेंस हो गए, है ना, एक बालक हंसते हुए पढ़ता है। ऐसे हमने अंतव लगा दिया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं पेज नंबर 6 पे, वहां लिखा है पिच्छन्तौ गायन्तौ, मिला आपको जी, मिल गया सबको जी। तो जैसे भवान भवंतौ शब्द है, इसका दो का मतलब है, जैसे कि दो गायक गाते हुए दोनों नेत्रों को मिला लिया था, दो गायकों ने गाते हुए दोनों आंखों को मिला लिया था, क्योंकि विनीता जी कईयों की आदत होती है थर थर कांपते स्टेज पर चढ़ने के बाद, तो ना आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बस मुंह खुलता रहता है ना, कईयों का हाथ पैर हिलता रहता है ना, तो वही उन गायकों की स्थिति थी, इसलिए वहां पे वो सेंस आ रही है, ठीक है। तो यानी बात यह है कि जब दो की संख्या प्रयोग हुआ तो वंतव लगेगा। अब मेरी बात समझना, ये वंतव का रूल ये नहीं कि यहाँ पे है कहीं पे नहीं है, यदि कहीं पे नहीं है तो उदाहरण गलत हो सकता है संगीता जी, समझ रहे हैं बात, हमारा वाक्य परफेक्ट है ना। जैसे बालकौ खादंतौ हसन हसतः, देखो हस्ता लगाया वो मेरी मर्जी, मैं वहां अहस्ताम भी लगा सकता था, मैं वहां पे आपका हसेतम हसेताम भी लगा सकता था,
वो मेरी मर्जी, मैं कौन सी लकार में वाक्य बोल रहा हूं। ठीक है विभूति जी, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे बात? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सब कुछ बुक नहीं होती, सब कुछ बुक नहीं होती, दिमाग में वो चीज बैठनी होती है ना। दो चीजें तो द्विवाचक जी। संगीता जी बताइए। दैट मींस ये फॉलो करता है कर्ता को। बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध पत्ते विल फॉलो कर्ता। कर्ता, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब जैसे कि मुझे उम्मीद है एक वचन में यूज हमने किया तो एक वचन आया, द्विवचन में यूज करेंगे तो द्विवचन ही। तो संगीता जी कहने मतलब बालकौ अगर आया तो वहां खादंतौ होगा, खादंतौ ऐसे पठन पठ, जैसे पठ आया तो पठ में चेंज होगी, पठवंतौ हो जाएगा, पृच्छन्तौ हो जाएगा, ऐसे खादंतः। अब यहाँ पे ये द्विवचन के दो उदाहरण है, गायंतौ पृच्छन्तौ। अब यहाँ पे मैं आगे एक चीज और बताऊंगा, खादंतः एक शब्द है। और जैसे संगीता जी ने अभी सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, संगीता जी आप बिल्कुल सही समझे हैं, सही इसलिए समझे हैं कि जैसे हमने इसका एक वचन यूज किया कि सह हसन खादती, वह हंसते हुए खाता है, तो खादती की जगह हम अखादत भी लगा सकते हैं, खादिष्यति भी लगा सकते हैं, यानी क्रिया यानी समय से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, बस हमने कर्ता के अनुसार क्रिया यूज करनी है कि वो वचन ठीक हो, है ना, वचन ठीक हो। समय तो जैसा आप वे में बोल रहे हो वाक्य हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रत्येक किस पर डिपेंड है? कर्ता पे, कर्ता पे। ठीक है जी। अब बहुवचन आ गया, मान लो मैं सिंपल समझा रहा हूँ, उदाहरण वहां बुक में लिखे हैं, हम सब लोग देख ही रहे हैं। अब जैसे वनिता जी सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है? पहले सरल सरल चीज आनी जरूरी है, कठिन तो पुस्तकों में अपने आप बहुत होता है, कठिनता का कोई अंत नहीं है, पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए, है ना जी। अब इसका बहुवचन पे आ जाऊं, जैसे मैं बोलना चाहूं कि अनेक बालक हंसते हुए खाते हैं तो क्या हो सकता है? जैसे पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंतः। हाँ, तो हंस का क्या हो जाएगा? हसन हसंत हंसंत, बालका हसंत लिखंती, पठंती लिखंती धावंती, कुछ भी। देखो हंसते हुए हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कॉमन सी धातु ले लेंगे, जैसे बाल कहा हसंत, है ना, हसंत बाल कहा हसंत, वार्तालापम कुर्वन। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है, बाल का हसंत पतंती, हंस रहे थे गिर गए। अब गिर गए तो भाई एक नया वाक्य बनेगा, बाल कहा पतंत, बालक गिरते हुए रो रहे थे रुदंती, है ना। तो ऐसी क्रियाएं ना चेंज होती रहती हैं, हमें देखना है क्रिएटिव क्या हो रहा है उस टाइम, लाइव क्या हो रहा है ना। और ऐसे ही फिर उठ गए, फिर से दोबारा हंसने लगे। हाँ जी जी संगीता जी, ये खाली कर्मणि प्रयोग में नहीं आ गए, ये श्वेत पत्ते इस्तेमाल नहीं होता, खाली करता है उसमें होता जी। पहली बात तो ये है कर्मणि में नहीं होता है, नहीं कर्मणि में अभी इसका प्रयोग नहीं ज्यादा यूज करते हम लोग, प्राय कर्त्री में ही करते हैं। कर्त्री में एक सरलता चीज क्या होती है कि इस भाव को स्पष्ट तरीके से बताया गया कि नाक छुओ तो ऐसे छुओ। कर्मणि में क्या है, वो शास्त्रीय विधि होती है, इधर से पकड़ के छुओ, छूना नाक ही है। मतलब विभूति जी हमें जैसे कोई बात, आवाज आ रही है मेरे पास, सबके पास आ रही है, विनीता जी विभूति जी जी, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ध्यान से। जैसे मान लो किसी ने बोला नोज पे हाथ लगाओ, कोई सरल व्यक्ति होता है वो ऐसे लगा लेता है, किसी ने बोला आईज पे, जो छोटे बच्चे होते ना आईज पे लगा दिया। अब देखिए ये बात तो पक्का मानना पड़ेगा, हम लोग व्यास भास कालिदास नहीं है, देखिए समझ रहे बात, व्यास भास कालिदास नहीं है, इतना सक्षम हो जाए कि वो क्या कहना चाह रहा हम समझ जाए अच्छे से, इतना जरूरी है। तो इतना मैंने देखा है अभी तक पुस्तकें पढ़ते हुए कि ज्यादातर कर्तृवाची में इनके प्रयोग मिलते हैं। ठीक है संगीता जी, तो अगर मान लो किसी को खाना खाना है तो सिंपल खाएगा, कोई बोले कि देखो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डलवाता हूँ, जैसे हमारे पुराने पुराने होते थे ना भास जी, बाण भट्ट जी, उन्होंने क्या कर दिया, किसी ने बोला अनुप्रास अलंकार बना के दिखाओ, उन्होंने बोला आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी अमीश भट भट खंडलोत बड़बड़ बड़बड़ लक्ष्मी शीर सागर परिजात पलभ्यो रागमिंदु शक्लादे कानपुर। आजकल के लोग बोलते हैं बस कर भाई बस कर, सांसें फूल गई, बोला नहीं जा रहा। सिंपल बोलो कि ट ट की आवाज बार बार आ रही है, प प की आवाज बार बार आ रही है, समझदार के लिए इशारा ये होता है
कि भाई जब एक जैसे वर्ण बार बार आए कहीं पे भी गद्य में चाहे पद्य में तो अनुप्रास होता है। समझ रहे विभूति जी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? जी जी सीमा जी जी, आपकी आपका नॉलेज तो ज्ञान तो बहुत ही गहरा है सर, इतना अच्छा हमें, मैं मुझे बहुत अच्छा जी। दरअसल मेरा बस ये प्रयास होता है जी जी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, गलती से मैंने कोविड की कक्षा अटेंड कर ली थी। अच्छा। लास्ट संडे को मैं समाज चल रहा था सर, तो हाँ। समाज जब चल रहा था तो वो बार बार सर बोल रहे थे कल पढ़ाया, तो मैंने गेस किया कि कल तो मैंने क्लास अटेंड किया था, लेकिन वो उसमें ये तो महोदय थे नहीं, तो मैंने हाँ। पूछा था, मुझे पता चला कि आपने गलती से कोविड में आ गया, शिक्षा के स्टूडेंट हो। अच्छा, लेकिन अच्छा। एक चीज उन्होंने बताई वो मुझे अच्छा लगा कि अनुष्टुप छंद होता है जी। उसमें सात मात्राओं में ही अपनी बात बोली जाती है, जो हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं अनुष्टुप छंद, तो उसमें हर चीज सात सात मात्रा, मैंने काउंट किया, वो मात्रा कैसे काउंट करते वो भी तो आना चाहिए ना मुझे। जी बिल्कुल, यमाता राजभांसल गए, उसका विषय फिर देख लेंगे सीमा जी, कोई बात नहीं, अभी हम लोग प्रत्यय में चलते हैं। आपने भी बोला ना तो मुझे बहुत ही लगा कि आप सही पर्सन है, पूछते हैं जरा, इसलिए अन्यथा कोई बात नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए दरअसल क्या बात होती है, मैं हूँ बिल्कुल नेचुरल गांव का आदमी, तो मैंने ये देखा है कि गांव में जो बंदा बाहर चला जाए ना तो उसे इतनी इंग्लिश हाई फाई करके दिखाते हैं, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि यार मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ नहीं हूँ। इसी प्रकार से क्या होता है, हम मैं भारतीय आदमी, विभूति जी ध्यान से बात समझिएगा, विनीता जी हम हैं इंडियन आदमी, हम अपनी भारतीय समाज से जुड़े हुए हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम अपने संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसे सिखाओ कि संस्कृत भाषा से प्रेम हो जाए, हमें ऐसे बताओ कि हम संस्कृत को अपना मानने लगे। पर कई दुष्ट लोग क्या होते हैं, संस्कृत क्लिष्ट कर देते हैं, इतना कठिन कर देते हैं, वो पांडित इतना झाड़ने लगते हैं, लोगों को लगता है वाह इतना मुश्किल है, उसका हौसला तोड़ देते हैं। परंतु इसके बीच में भी जो संस्कृत भारती है इसका इतना बेस्ट मेथड है, ये चाहती है तुम भी पढ़ो संस्कृत, हम भी पढ़े संस्कृत, सब पढ़े संस्कृत, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये मुझे अपनी संस्कृत भारती का सबसे बेस्ट टैगलाइन लगता है, और मैं खासकर पता नहीं मैं कैसा पढ़ाता हूँ, परंतु मैंने इसको आत्मसात किया हुआ है, नॉलेज है अलग बात, परंतु हम जब जी जी सीमा जी, संस्कृत भारती का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं ये बात बहुत पहले भी बोलना चाहती थी, क्योंकि संस्कृत भारती ने क्या सिलेबस डिजाइन किया है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ मतलब संस्कृत में, मेरे मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से मैं बोलना स्टार्ट करूंगी, मैं डायरी लिखूंगी संस्कृत में, क्योंकि मुझे सारे शब्द पता है, वार्ता मैं रोज सुबह सुनती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोल पा रही, मुझे इसका बहुत बुरा लग रहा है। कुछ नहीं बोल, आप सारे मुझे बोलने आना चाहिए। एक छोटी सी मैट्रिक बताता हूँ, दरअसल मैंने एक डिजाइन किया है द संस्कृत एजुकेशन में, तीन वीडियो, संस्कृत अनुवाद प्रथम भाग, संस्कृत अनुवाद द्वितीय भाग, संस्कृत अनुवाद तृतीय भाग। जो हिंदी माध्यम वाले लोग होते हैं जिनका हिंदी पे पकड़ अच्छा है, आप उसको देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, आप वहां पे भी देख सकते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि हाँ हाँ बोलिए, किस तरह से हम देख सकते हैं, कहाँ पे जाके देखना पड़ेगा? आप यूट्यूब पे उदय झा सर डाल दीजिएगा या द संस्कृत एजुकेशन डाल दीजिएगा, उसमें संस्कृत अनुवाद वीडियो है, संस्कृत अनुवाद प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, कम्युनिटी में भी देख सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आप हाँ फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैं ये जो है चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपको नंबर, ठीक है, इसमें लिंक भेज दीजिएगा हमारे टेलीग्राफ ग्रुप में डाल दीजिएगा लिंक प्लीज, ग्रुप में डाल दीजिए महोदय। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं वो भी डाल दूंगा। तो अब ना एक बार आप खाली वो मैं नंबर दे दूंगा, चैट बॉक्स में आ जाएगा थोड़ी देर में खुलेगा तो, हाँ तो अब बाकी मैं आपको भेज देता हूँ अभी, हाँ ये चैट बॉक्स खुल गया, ये नंबर आ गया जी मेरा, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये जो उस पर पीपीटी है इस पर है, EDUCADION देखिए जी ये आ गया द संस्कृत एजुकेशन, ये आपको मिल जाएगा वहां पे, है ना,
अब दोनों चीज आ गई जी, ठीक है आप आराम से देख लेना इसमें, ये YouTube का नाम है, इसी नाम से बनाया है थोड़ा सा। तो अब जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, तो आई होप द्विवचन का प्रयोग हम लोग हमेशा द्विवचन के कर्ता के साथ करते हैं, और बहुवचन का प्रयोग हम लोग बहुवचन के साथ करते हैं। जैसे कि मान लो ये है अनेक बंदर, बानरा बानरो बानरा, देखिए एक शब्द है, अनेक बंदर खाते हुए उछल रहे हैं, तो वान रहा खादंत कुरदंती, है ना, वान रहा खादन कुरदंती। अब जैसे कि मैंने संगीता जी एक वाक्य बोला था, बड़ा हम अपने मन से कितना भी कर सकते हैं, अब मेरा मन थमा नहीं, जैसे सीमा जी मेरा मन भरा नहीं, मैं इसको और बड़ा करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनेक बंदर अनेक पेड़ों पर, है ना, खाते हुए उछल रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा वान रहा वृक्षेशु, या वान रहा वृक्षे कुर्दन खादन कुर्दंती, है ना। और मैं इसका पास्ट टेंस बनाना चाहूं तो खादन अकुर्दन, ऐसे ही मान लो कूदेंगे खाते हुए कूदेंगे, जैसे आप बोलते हैं ना संगीता जी मेरी टंकी पर बंदर उछलते हुए खाते हुए उछलते हैं, मेरी टंकी टूट गई, टंकी टूट जाती है ना ऊपर ढक्कन जो होता है, तो उसके लिए सिंपल वाक्य वान रहा आच्छाद के खादन कुर्दंती, जो आपका वो है ढक्कन वो टूट गया, आप फिर बोल सकते हो। तो यानी डिपेंड है कि वो क्या कर रहे हैं, कुर्द अब वहां कुर्दंता होगा, कुर्दंता क्यों, वो खादंता होगा, क्यों खादंता होगा, क्योंकि तो बांदर बहुत है, कितने हैं खादंता बहुत है ना जी। जी स्पष्ट हुआ यहाँ पे बहुवचन आप सभी को, हरिओम। जी, ये खादन, ये खादंता, खादन खादे को देखो, नहीं, ये भगवान खादन आपको शब्द रूप हो गया ना, खादंता शब्द रूप हो खादन, गया। हाँ शब्द रूप हो गया, शब्द रूप इसलिए बन गया भवन की तरह। जैसे अब तो हम सबको ये स्पष्ट हो गया कि इस पूरे टॉपिक में यही चीज है, एक वचन द्विवचन बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है जी। इसमें और कोई प्रश्न पूछना है महोदय, जी, और कोई प्रश्न पूछना है महोदय, जी। अहम वदामि महोदय, हाँ एकम बोलो, प्रश्न, स्त्रीलिंग में इसका बहुवचन और द्विवचन जी कौन सा होगा, जी स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग में नपुंसक पहले लिंग बता दूं, स्त्रीलिंग में नदी की में, तरह ये तो डूब चलेंगे, पुल्लिंग है ना। ये पुल्लिंग शब्द है जी, स्त्रीलिंग में अभी आगे आएगा तो हम उसमें भी देख लेंगे, परंतु सामान्य तौर पे बता दूं, मंजुषा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, दरअसल कैमरा ऑन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है, मैं समझ पाता हूँ, पता लगे कभी बस में रेल में कभी मिल जाए हम लोग भी, तो हम बना बता पाए जी, विभूति जी ये हैं और संगीता जी ये हैं और आप लोग मुझे भी पहचान पाओ, उदय जी ये हैं ना जी। हो सके तो प्रयास रखिए जी, कैमरा ऑन करने का, है ना। तो अब जैसे कि इन्होंने जी पूछा जी तो उसके निदान के लिए मैं बता दूं, हाँ निदान के लिए मैं बता दूं, जैसे हमने नदी का रूप हुआ, जैसे सा, पटंत नहीं नहीं मैं बताऊंगा संगीता जी, जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ चुकी हैं, तो हमारे यहाँ क्रिया के एंड में भी ऐसे प्रत्यय लगते हैं, तो हम बोलते हैं सा पठितवती, है ना, वह पढ़ चुकी है, तो परंतु जब इसका हम कारक के तौर पर यूज करेंगे तो भी नदी की तरह यूज होगा, नदी नद्यो नद्या, है ना, नद्या, है ना, ऐसे। तो इसके प्रयोग आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पर देखेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पेज नंबर जो आपका ये है 5 नंबर का जो एंड है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिखा हुआ है जी, ऊपर के सारे उदाहरण स्पष्ट हुए ना सभी को जी महोदय, ये ऊपर का उदाहरण 20 उदाहरण जो लिखे हैं, आई होप हम लोग सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना जी। तो अब जैसे कि हम लोग नीचे आ रहे हैं, सत्री प्रत्यय से बनने वाले शब्द संबंधी नियम, तो यहां लिख रहे हैं सत्री प्रत्यय निरंतर हो रही वर्तमान काल की क्रिया के भाव को प्रकट करता है, इससे अभिप्राय यह है कि क्रिया का प्रारंभ तो हो गया था परंतु अभी उसका समापन नहीं हुआ है, सत्री प्रत्यय केवल अत ही शेष रूप में बचता है, श व रि का लोप हो जाता है, जैसे पट प्लस सत्री, यहाँ पे पठत लिखत क्रीडत इत्यादि दिया है यहाँ पे, ऐसे उपविशित और सत्री उपविशत, तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय केवल प्रश्मयी पद धातुओं के साथ जोड़ा जाता है, आत्मनि पद धातुओं के साथ सानत प्रत्यय जोड़ा जाता है,
सानत प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। सत्री प्रत्यय से बने ग्रंथों के रूप लिंगों में उदयन, उदाहरण पतन, पतंती, पतक। अब देखिए यहाँ पे सानच, ये जो अभी आपका प्रश्न आया ये सानच में छुपा हुआ है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी स्पष्ट किया था। सत्री और सानच, जी जी, अभी किसने सवाल पूछा था, परस्मै पद का, आत्मनि पद का, तो मैंने बताया भी था यहाँ पे कि जहाँ पे, हाँ हरिओम विभूति जी, जैसे अभी हम लोगों ने ये सवाल आया था कि नाक को सीधी पकड़नी है ना, अभी मैंने बताया था नाक को सीधी पकड़नी है। पुस्तक में वही बात कही गई है कि उसका प्रयोग ऐसा दिखता ही नहीं, जल्दी प्रयोग नहीं दिखता। देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें हैं विनीता जी, सरल शब्दों में बताऊं दो चीजें हैं। एक है सामान्य संस्कृत, हम लोग सामान्य संस्कृत पढ़ा कि क्षत्रिय प्रयोग यहाँ होता है और सानच का आत्मनि पद्म हुआ है। परंतु कई बार हम क्या देखते हैं वैदिक प्रयोग में क्षत्रिय परस्मै पद में भी सानच प्रयोग होता है ना जी, और आत्मनि पद में भी क्षत्रिय प्रयोग होता है। तो जैसे मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अब जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है होता है, क्योंकि गारंटी नहीं है 100% ना। तो जब ऐसी चीजें हो तो हम उनको वैदिक प्रयोग मानते हैं, ठीक है जी। वैदिक प्रयोग तो हमने देखा होगा व्याकरण में रूल है विभाषा, विकल्प से, ये चीजें जैसे होता है ना। विभूति जी मान लीजिए हमारे दादाजी होते हैं, बड़े होते हैं, उन्होंने कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे दिया, तो हम ये नहीं बोलते कि वो गलत है, हम ये बोलते हैं कि उनकी तथ्य, उनके विचार, उनकी जगह ठीक है भाई, हमारे विचार ऐसे हैं। समझ रहे हैं विभूति जी, संगीता जी, जी। बात ध्यान समझ रहे हैं, हम हमें दादा गलत नहीं बोलते। तो भैया पानी ये पहले सिखाया भी जाता था, हाँ ये पहले सिखाया भी जाता था कि कैसे बोले। हम लोग ये बोलते थे ना कि आप ये ठीक से नहीं समझ में नहीं समझा सके, हमसे बताया था ये नहीं बोलना, ये बोले मैं नहीं समझ पाया। हाँ बिल्कुल भाई बात। तो अब ये बताइए, ये जो है हमारे पाणिनि जी हैं या पतंजलि जी हैं, ये लोग तो पोते हुए ना वैदिक मुनियों के, है ना, काश्यप ऋषि, वत्स ऋषि, महर्षि हरिषि, है ना, इन्होंने अग्नि सूक्त लिखे, इंद्र सूक्त लिखे, इतने सारे सूक्त लिखे, तो उनको गलत कैसे कर सकते हैं, नहीं ना संगीता जी, नहीं ना। इसीलिए उन लोगों ने स्मार्टनेस तौर पर क्या करा, व्याकरण वालों ने विभाषा, परिभाषा, विकल्प लगा दिया। तो हमें कहीं ये नहीं बोलना कि ऐसा हो नहीं सकता, यदि है तो आप हमें दिखाओ। वो स्वाभाविक बात है, यदि व्याकरण के नियमों में नहीं है तो वैदिक नियम होगा, है ना। तो बोलना कि भैया वो ठीक है, जैसे अभी कई बिहार से और उड़ीसा से लोग होंगे और बंगाल से, क्या बोलते हैं अभी भी, ओम मही खानम बोलते हैं, मही खासुर मर्दिनी। कलकत्ता में देखा है ना पंडाल में भी चले होंगे, मही खासुर मर्दिनी। और इधर दिल्ली के पंडित क्या बोलते हैं, महिषासुर मर्दिनी। अब दोनों पंडितों को बैठा दो, बंगाल वाला पंडित बोलेगा मैं ग्रेट हूं और मथुरा वृंदावन वाला मैं ग्रेट हूं, अब दोनों में तो फिर तो फटम फटम लड़ाई हो जाए, मैं पढ़ा तो मैं पढ़ा। तो वहां उनको ये पता होना चाहिए, थोड़ा माइंड को चलाओ, जो वैदिक प्रयोग होता है उसमें शा भी बोला जाता है और खा भी बोला जाता है, यानी बंगाली बाबू पंडित जी आप भी ठीक हो और मथुरा वृंदा वाले में पंडित जी आप भी ठीक हो, झगड़ा मत करो। झगड़ा क्या बोले, उनके पास एक समझदार बंदा नहीं होता जो व्याकरण के नियमों को या संस्कृत भाषा को हृदय से गमन करे। संस्कृत भाषा में अड़ियल नहीं चलता कभी भी, फ्लेक्सिबल चलता है हमेशा जी, समझ गए ना। जैसे हम इसको मातृभाषा क्यों कहते हैं संस्कृत भाषा को, सुनीता जी आप भी आ गए, कैमरा ऑन कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मंजू श्री जी ने भी कर लिया और गोपाल जी तो हम प्राय हमेशा रखते हैं मेरी क्लास में। देखिए इसको मातृभाषा क्यों कहा, देखिए अगर मान लें विनीता जी आपका बच्चा थोड़ा शरारत कर दे, है ना, तो आप पापा की तरह ले के छड़ी धब नहीं तोड़ दोगे सीधा। अब वो बच्चा बोले तीन दिन तक कमर हिल गया, उसे समझाओगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसे ही मातृवत संस्कृत भाषा शिक्षणम, माँ के समान जो संस्कृत भाषा सिखाए वही शिक्षक है, समझ रहे बात। यूं नहीं के लाओ भैया चार फिट का सरिया, जिसने नहीं सीखा फोड़ दो माथा, तो भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कभी, बिल्कुल पोलाइट वे में संस्कृत भाषा चलती है और ऐसे ही सीखा जाता है।
जी, तो आई होप हम लोगों का आज का जो कॉन्सेप्ट था प्राय सबको स्पष्ट हो गया यहाँ तक जी। हाँ, संजना जी जी एक और सवाल, ये इतने प्रकार के प्रत्यय कैसे याद करूंगा, क्योंकि श्री थे तुकता है कि ये याद ही नहीं होता है। देखो इसीलिए इसीलिए इसको याद करने का, चलिए संगीता जी मैं एक छोटे से आंसर दे रहा हूँ, छोटे से आंसर दे रहा हूँ। अभी तक ना अंग्रेजी सीखना क्यों मुश्किल है, स्पेनिश सीखना क्यों मुश्किल है, या जापानी सीखना क्यों मुश्किल है, चाइनीज सीखना क्यों मुश्किल है, और संस्कृत उतना ही आसान क्यों, मैं बता दूं, उनके पास विपदा काल में आपातकाल में एक ही रास्ता भाई, इसी से निकलना है, या तो मरो या मारो, मरो या मारो युद्ध के समय में। परंतु भारत की फिलोसफी नहीं रहा, यदि अगला स्ट्रांग है तो पिछली गली से निकल जाओ, दूसरी गली से निकल जाओ। तो संस्कृत भाषा में क्षत्रिय का भी विकल्प है, कौन कह रहा प्रत्यय याद करूं, बिना प्रत्ययों के क्या संस्कृत ही लिखते, बिल्कुल लिखते हैं, उसका विकल्प 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 पता होना चाहिए। विकल्प जैसे कि मान लो आपके घर में सिर्फ लड्डू है, सुनो लड्डू है तो आप लड्डू खाओगे, यदि आपको बोला कि मुंह मीठा करा दो, आपके घर में गुलाब जामुन भी है, लड्डू भी है, बालू स्याही भी है, और भाई वो स्पंज रसगुल्ला भी, तो आपकी विकल्प बढ़ गया ना, आप मेहमान को कुछ भी दे सकते हो। देखो मेरी बात ध्यान समझना, परंतु उनके पास ऐसा विकल्प नहीं है, जैसे मैंने कहा अभी से मेरी बात समझिए, पठनाई भी ठीक है, पठितुम भी सीख ठीक है, पठनार्थम भी ठीक है, और एक और बताना भूल गया, आप सुन लीजिए ध्यान से, पठनस्य कृते, क्या शब्द है, ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ा पढ़ा। अंग्रेजों के पास एक ही शब्द है फोर, अंग्रेजों के पास क्या शब्द है, प्रीपोजिशंस में फोर, आई एम गिव दिस पेन फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, वर्ल्ड पोजीशन में याद करनी पड़ी जी, उन पूरा वर्ल्ड उनके फोर से पक गया है। परंतु संस्कृत भाषा में भैया फोर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वृक्षस्य कृते जलम दास्यामि, जनानां कृते जलम ददामि, ऐसे ही पठनार्थम धनम ददामि, पठितुम धनम ददामि, पठनाय गच्छामि, कितने विकल्प हैं सोचिए, कुछ तो याद होगा, 10 में से 5 में से 1 वर्ड तो याद होगा ही होगा जी। मैंने आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा है तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आई थिंक 281 तिगंत प्रत्यय है ना, तद्दित तद्दित प्रत्यय, तो वो 281 याद करने का इफ यू कैन टेल मी एनी ट्रिक, दैट्स इट, मुझे सीखना सारे हैं जी, सीखना सारा है उतना पढ़ता है, इसका बहुत बेस्ट विकल्प है। जैसे आजकल मैं किम का शब्द रूप बताता हूँ, कई बार कहते हैं याद नहीं होता, याद नहीं होता, सुनिए चक्कर क्या है, बॉलीवुड वालों ने हमेशा गलत चीज दिया अभी तक, बॉलीवुड इसको अच्छे से प्रेजेंट कर, मेरी बात ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा अलग हटके हैं, जैसे आप ऐसे गाइए सुनिए, मैं टोटल भारतीय हूँ सर, बोले में चलेगा। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, किम के कानी आओ मेरी नानी तुमको सुनाऊं किम की कहानी, सुनिए ध्यान से, किम के कहानी ओ मेरी नानी तुमको सुनाऊं किम की कहानी। देखिए अब हमने एक सॉन्ग गाया और नीचे फिर बोल दिया केन का भ्याम कई कस्मई का भ्याम के भ्या कस्मात का भ्याम के भ्या कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु ओम हर हर शंभु। देखो अब इस तरीके से उसको इतने प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया कि बच्चा 3 बार गाना गाया याद हो गया, समझ रहे हैं संगीता जी। तो हर चीज का जो आपको बेस्ट अच्छा लगे वैसे गा के तैयारी करो, याद हो जाएगा। मैंने अभी तक तो आपने कोई सॉन्ग बनाया है वो तदिक के लिए कोई सॉन्ग बनाया तो बताइए वो मैं पकड़ूं। अब मैं आप बहुत शुभम सर बहुत जी द संस्कृत एजुकेशन पे जुड़ जाइए, वहां पे इस पे बना दूंगा, मैं बहुत सारी चीज बनाता रहता हूँ। दरअसल क्या है उसमें थोड़ा ना मिक्स मिक्स करता हूँ मैं, जैसे संस्कृत भारती की परंपरा भी है और थोड़ा सा एक जनरल जो रोड पे जो आदमी चल रहा है उसकी परंपरा भी है, दोनों को मिला के ऐसा करता हूँ कि पहले भैया पहला द्वार तो खुले, उसके लिए मैं ट्रिकी चीजें करता हूँ इजी इजी तरीके से, ऐसे अनुवाद का बनाया है। तो आई होप मेरा मानना है सत्री प्रत्यय में ज्यादा घबराने की बात नहीं है, सिंपल 3 वर्ड याद रखना है, जैसे कि पुल्लिंग में हमने पठितवान पठितवंतौ पठितवंता किया, तो एक यदि कर्ता एक वचन है तो हसन, दो हैं हसंतौ, अनेक है हसंता,
और कुछ नहीं छेड़ना, मेरी एक एक पॉइंट लिख लीजिए यदि आप सबको याद रहे तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में आ गया, बता देता हूँ। जब भी हम ऐसा कोई भी प्रयोग करते हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात, कोई भी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो मूल धातु है वो वही प्रयोग होता है जो कि लट लकार में होता है। किस लकार में? लट लकार में, नहीं लट लकार में, बात समझिए। एक इनसे सबसे अपवाद वाला जो लकार है वो है लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार। तो लिट लकार का प्रयोग कभी नहीं करना। जो लट लकार में धातु हमने पढ़ी है मंजूश्री जी, जो हमने मंजूश्री जो हमने लट लकार में देखा है, जैसे हमने क्या देखा, हमने द्रक्षति नहीं देखा, हमने वहां जाता देखा हस, पठ, चल, धाव, धाव की होता है ना, तो धावन, धावंतो, धावंत है ना। अब भ्रम है ऐसे जिग्र है तो जिग्रन, जिग्रन ना कि घ्रास्यति करते हैं। तो कहने का फैक्टर ये है मेरा भाई साहब, सभी लोग ध्यान देंगे, चाहे हम लट लकार यूज करें, चाहे लंग लकार यूज करें, चाहे लोट लकार यूज करें, चाहे विधि लिंग लकार यूज करें, चाहे क्षत्रिय प्रत्यय यूज करें, चाहे सानिध प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय यूज करेंगे ना, कोई भी प्रत्यय, मेरा ध्यान समझिए, ज्यादातर प्रत्यय कोशिश होती है कि जो लट लकार का स्वरूप दिखता है उसका वैसा ही प्रयोग करना है। उससे हमारा ज्यादातर संभावनाएं होते हैं 99% कि अशुद्धि नहीं होती है, होता है ना। दो रास्ते हैं कहां जाएं, तो आप ज्यादातर उस फेवर की तरफ जाओ जो लट लकार में प्रयोग हुए। आई होप ये वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये स्पष्ट ना? स्पष्ट जी जी, चलिए। तो अभी आगामी शनिवार कक्षा, हाँ, शिक्षा कक्षा है भवन, भवन पाठकों भक्ति यदा इच्छति यदा मम पार्श्वे समय भविष्यति अहम निश्चयेन पाठिष्यामि, चिंता नास्तु, चिंता नास्ति। मुकुल पांडे महोदय, हरि ओम। हाँ महोदय, हरि ओम। अद्य कक्षा अभवत् भवान् शान्ति पाठम् इत्यादि कार्यक्रमे महोदय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, नमो नमः। शुभ सर्वे भ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद, शुभ रात्रि। राम राम, राम राम जी, राम राम जी।